ये वो लोग हैं जिनके घर जमीनें और खेत रतलाम जलबंधक कार्य के निर्माण में रातों रात ध्वस्त कर दिए गए। जानते हैं क्यों इन सबको रातों रात सड़क पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि सरकार द्वारा निश्चित धन वो धनराशि जो सरकारी राजकोष से ली गई थी वो इन लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं। गुनोजी भावजी अब भी आपके पास कोई बहाना है गुनोजी दाजी? कोई स्पष्टीकरण है? आपको एक बात तो पता होगी गुनोजी दाजी कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन अजीब बात तो ये है कि आपका झूठ बिना पैरों के दौड़कर यहां आ धमका। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग कि झूठ यहां आ धमका, झूठ के पैर नहीं होते? हमें नहीं पता कि झूठ के पैर होते हैं या नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमने खुद अपने हाथों से मूल निवासियों को उनके हक की धनराशियों ने मिले ये व्यवस्था की थी, और आप सब लोग हमें दोषी मान रहे हैं। बस गुनोजी भाजी, बस। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, चार लोग मिलकर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा गांव भूखे पेट, नंगे सर और नंगे बदन हमारे चौखट पे आकर झूठ नहीं बोल सकता गुरुजी भौजी। अब भी समय है आपके पास गुरुजी दाजी, अभी भी हम आपसे सिर्फ सच्चाई की उम्मीद कर रहे हैं गुरुजी दाजी। बताइए गुरुजी दाजी, वो धनराशि जिसका सरकारी खजाने से भुगतान किया गया था, वो अगर रतलाम के मूल निवासियों को नहीं मिली तो वो गई कहां? कैसे नहीं मिली? जिस जिस के लिए जो जो धनराशि तय की गई थी उन्हें दी गई है। आप लोग भी कमाल है, हम इस गद्दी के पुराने वफादार हैं और आगे भी रहेंगे, और फिर निष्ठा का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों को हमसे ज्यादा इन सब लोगों पर विश्वास है, जिनमें से एक दो को छोड़कर शायद ही आप किसी के नाम जानते हो। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि इन लोगों को धनराशि नहीं प्राप्त हुई है? किसी ने जाकर वहां जांच की है? सुनिश्चित किया है किसी ने कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही है? बताइए खंडेराव। हाँ, हमने जांच की है। साहिब, आप हमारी आदत जानते हैं और हम आपकी फितरत। बिना सबूत के हम कभी कुछ नहीं बोलते, और आप भ्रष्टाचार करने के बाद भी सबूत मांगते हैं। जब हम रतलाम जलबद्धों को लेकर साशंकित थे, तभी हमने तुकोजी को वहां भेजने की व्यवस्था की थी, लेकिन पहली कोशिश नाकामयाब रही और दूसरी कोशिश कामयाब रही।
अगर कोशिश सच्चे मन से और सच्चाई के लिए की जाए तो वो कामयाब हो ही जाती है गुनोजी दाजी। आपको यहां से निकली शिवजी की पालकी तो याद होगी ना? अब एक और गंगूबाई जिनके हाथ में उस धनराशि का ब्यौरा है जो रतलाम के मूल निवासियों के लिए नियत की गई थी, और एक और तुकोजी है जो खुद दो दिन रतलाम में रहकर ये देख कर आए हैं कि उस राशि का कितने लोगों के लिए विधायक कार्य के रूप में उपयोग हुआ है और कितने का गबन हुआ है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुनू जी भाजी। हम आपको छोटे सुबेदार जी, ये शिवजी का पवित्र स्थान है और यहाँ वो लोग भी मौजूद है जिसके साथ हमारे एक पदाधिकारी ने अत्याचार किया है और फिर गुनोजी दाजी होलकर परिवार के जावई साहिब भी हैं। अगर कार्यवाही होनी है तो वो दरबार में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वही सही होगा बाबा साहेब। गुनोजी सरदार को नजर बंद करके दरबार में पेश किया जाए। आज के दिन के तीसरे पहर से पहले उनका न्याय किया जाएगा। सैनिकों, ले जाइए गुरुजी सरदार को। तो कुछ के साथ सारे दस्तावेज लेकर दरबार में आ। जी। हमारे रिश्तेदार हैं गुनोजी दाजी और हम उस रिश्ते का लिहाज रखना चाहते हैं, बशर्ते आप भी उस लिहाज की गरिमा बनाए रखें। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पत्नी और आपकी सासूबाई की शायद तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। मैं आती हूँ गुनोजी दाजी। साहिब, जितना प्यार हमने उन्हें दिया उससे कई गुना ज्यादा सम्मान खंडेराव ने उन्हें दिया, क्योंकि खंडेराव की बहन के पति लगते हैं वो। मगर गुनोजी साहिब ने किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं रखी और आप चाहती हैं कि हम उस रिश्ते के लिए उसे क्षमा कर दें। आपने उनसे एक बार भी नहीं पूछा
कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन क्या आपके पास मेरी भावनाओं का जवाब है? मैं सिर्फ इतना जानती हूं, हमारी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचिए जरा, हमारे सामने उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई रहेगी कि उसके पति ने ये गुनाह किया, हम तो प्यार करते ना उससे। उसकी झुकी हुई नजरें आप बर्दाश्त कर सकेंगे? सावई साहब के लिए नहीं, एक बार अपनी बेटी के लिए सोचिए। रानी साहब, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं, प्यार देते हैं, यहां तक कि अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो हमने भी हमारी बेटी को दिया। लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी माता पिता अपने बच्चों को उनकी किस्मत नहीं दे सकते, क्या करें? द्वारका, आप हमेशा से चाहती थी कि हम गुनोजी साहिब को मालवा का उत्तराधिकारी घोषित करें, हमारी विरासत उन्हें सौंपे, है ना? लेकिन उन्होंने तो उनके बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस विरासत में छल और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं। हम क्षमा चाहते हैं, इस मामले में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। धनजी सरदार, एक बुरी खबर है, कुनोजी सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े सूबेदार जी भी आ गए हैं और खंडेराव ने घोषणा की है कि आज तीसरे पहर से पहले वो उन्हें सजा भी सुना देगा। मलार राव हो या खंडेराव, वो लोग मेरे बेटे को छू भी नहीं सकते। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला नहीं हूं मैं सबसे छुपकर जरूर रह रहा हूं, मगर डरता नहीं हूं किसी से। ये मेरी नीति है, मेरी चाल है। इस बार फिर से चाल खेलूंगा, महाचाल, अपने बेटे को बचाने के लिए। कनौजी मेरा बेटा है, नाची का बेटा। गुणो जी, सुपुत्र धना जी, इन पर यह आरोप है कि इन्होंने रतलाम जलबंधक बनाने के लिए राजकोष से जो राशि निकलवाई थी उसमें से 50% जलबंधक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था और बाकी 50% गांव वालों के पुनर्निवास में इस्तेमाल होना था। पर यहां पर उपस्थित गांव वालों का ये कहना है कि इन्हें घर की कीमत के बदले मिला तो सिर्फ घर निकाला, इनसे इनके निवाले तक छीन लिए गए, ये सड़क पर आ गए दर दर की ठोकरें खाने के लिए। और तो और,
धनाजी, क्या आपको यह आरोप स्वीकार है कि इस धनराशि का गबन हुआ है और ये आपने किया है? नहीं सरकार। अच्छा, अगर आपको स्वीकार नहीं है तो उस धनराशि का हिसाब यहाँ दरबार में पेश कीजिए। हमने कोई गबन नहीं किया। हिसाब किताब में इतना गफला घोटाला हुआ है गुनोजी दाजी, और आप कहते हैं कि आपने गबन नहीं किया, तो फिर किसने किया है? आप यहां कैसे? अंदर नहीं बुलाओगे? आप मेरे घर के अंदर आएंगे? बाबा साहेब, जलबंधक का काम वैसे ही प्रारंभ होगा जैसे पहले तय किया गया था। इतना सब कुछ अव्यवस्थित होने के बाद ये काम कैसे संभव है? अहिल्या, हम चाहते हैं कि जलबंधक का काम आरंभ होने से पहले रतलाम के मूल निवासियों का पुनर्निवेशन होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जनता के साथ अन्याय होगा। हम क्या कह रहे हैं, आप दोनों, आप और आप, थोड़ा समय लीजिए, मिल बैठकर पुनः विचार करके बाद में हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। क्या कभी कभी क्या होता है, हम लोग भावुक हो जाते हैं किसी योजना, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, लेकिन राजनीति और राज्य के कार्य से जुड़े कार्य कभी किसी भावना से जुड़े नहीं होते, और ना ही भावना के अनुकूल परिणाम देते हैं। इसलिए भावनाओं को थोड़ा अलग रखकर तर्क के साथ काम करने से भावना के अनुकूल परिणाम भी देते हैं और सही परिणाम देते हैं, और यही बात इस परियोजना में भी लागू होती है। जब तक रतलाम जलबंधक प्रकल्प के सारे पहलुओं को हम अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक इस प्रकल्प के निर्माण कार्य पर रोक लगाना अच्छा होगा, ठीक रहेगा? जी, मुझे सावई साहब से
कुछ एकांत में बात करनी है। मुझे क्षमा कीजिए द्वारका रानी साहब, लेकिन मैं तो मल्हार सरकार के आदेश का पालन कर रहा हूँ और मल्हार सरकार के आदेशानुसार हम गुणों जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो कोजी, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी मालवा की रानी हूँ और मैं आपको सावई साहब को अकेला छोड़ने के लिए नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे जावई साहब से एक पल एकांत में कुछ देर बात करनी है। और इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन बाबा साहब, चलबंदक के निर्माण कार्य को इस तरह बीच में रोक देना, मतलब सरकारी खजाने पे तनाव बढ़ेगा और वहां अब तक जितना धन लग चुका है उसका मूल्य कम से कम अभी के लिए शून्य ही होगा बाबा साहब। अगर अहिल्या अपनी प्रजा की समस्या सुलझाए बिना हम जलबंधक के निर्माण कार्य की तरफ बढ़ नहीं सकते। बाबा साहब, जैसे ही रतलाम में हो रही गतिविधियों की भनक मुझे लगी, मैंने गंगोबा काका की मदद से दोहरी योजना बना ली थी। अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, अनुमति है, बताओ। ये देखिए बाबा साहब, जलबंधक का काम यहाँ इस क्षेत्र में शुरू होगा और यहाँ के मूल निवासियों के लिए तो कोजी भावजी की मदद से हमने पास के जमींदारों से यहाँ की और वहां की जमीन का इंतजाम कर दिया है। अब उनकी सहायता से इस जमीन पर बेघर मूल निवासियों के लिए तुरंत नए घर बनवाना भी शुरू कर देंगे और वही मूल निवासी चलबंधक के निर्माण में काम भी करेंगे और अपनी जीविका भी कमा लेंगे। ये तो हमारा दृष्टिकोण हुआ ना। प्रश्न ये है कि वो पड़ोसी जमींदार अपनी जमीन क्यों देंगे? उसका भी उचित कारण है बाबा साहब। बताओ। एक तो उन पर हमारा बहुत उपकार है और दूसरी बात, ये जो जमीन हम उनसे मूल निवासियों के पुनर्निवास के लिए मांग रहे हैं वो बिल्कुल बंजर है। कौन सी? ये? जी बाबा साहब। हाँ तो फिर इस योजना से ना तो सिर्फ यहाँ बस्ती बनने के कारण उनका कारोबार बढ़ेगा बल्कि चहल पहल के रहते उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और वैसे भी आज तक उन्हें उस भूमि से कोई आमदनी नहीं होती थी जो इस योजना के कारण अब से होगी। और तीसरी बात बाबा साहब, यहाँ से और यहां से सड़क के निर्माण की योजना पहले से बन चुकी है जिसके कारण यहां के लोगों को जलबंधक तक आने जाने की सुविधा हो। और बाबा साहब, जितने लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचना है उनकी सूची गंगोबा काका के पास तैयार है। We'll be right back.
भाई वाह, आप दोनों तो बहुत ही होशियार हो गए। इतना स्वादिष्ट खरबस बनाया है अपनी आई साहब के लिए, बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाह कीजिए जहान मियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने कुछ जासूस रतलाम भेजे थे और पता चला है कि कोई एक आदमी था जो गुनो जी के गैर मौजूदगी में सब कुछ संभाल रहा था, और गुनो जी का मामला जैसे ही सामने आया ठीक उसी के बाद वो वहां से गायब हो गया। ढूंढो उसे। जहां तक हम मल्हार राव को जानते हैं, इस वाकये के बाद गुनोजी पर कड़ी नजर रखेगा वो। हो सकता है उस तक जल्द पहुंचना अभी मुमकिन ना हो। ऐसे में ये शख्स हमारी मदद कर सकता है। वैसे कौन हो सकता है ये शख्स? इतना बड़ा षड्यंत्र, हमें हमारे ही कक्ष में नजर बंद करके मारने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपना चेहरा दिखाओ वरना अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। साहब यहां आइए। बाबा साहब आपको यहां नहीं आना चाहिए था। रहा नहीं गया बेटा, बताता तुमको मेरी जरूरत होगी। आगे क्या सोचा है? बदला लेना है बाबा साहेब, खुलकर बदला। नहीं नहीं गुनोजी बेटा, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। बदला तो लेना है, लेकिन ऐसा कि सामने वाला हलाल हो जाए और उसे पता भी ना चले। तो ये थी आपकी गोपनीय बात? हम समझ गए। अच्छा मालेराव और मुक्ता, आप अभी एक काम कीजिए, ठीक है? द्वारका जी, तुको जी काका और रकमा काकी को भी ये दे आइए, जाइए। ध्यान से।
आपने मछलियाई साहब से बात की? हाँ बात की, वो थोड़ा तकलीफ में है, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर उन्हें अकेला छोड़ना ही उचित रहेगा, फिर बाद में बात करेंगे। सच बताओ तो बुरा लग रहा है उनके लिए, लेकिन बुरा लग रहा है लेकिन हम भी तो असहाय हैं। गुरुजी बाबूजी ने जो हरकत की, हमने उसकी उम्मीद नहीं की थी उनसे, और उनकी इस गलती का गलत अकेले गुरुजी साहब नहीं है, तुम भी हो खंडेराव। गुनोजी को हमने उनके किए की सजा दे दी, लेकिन गलत आदमी पर विश्वास करने की, अपने काम के प्रति लापरवाह होने की और रतलाम गांव के साथ नाइंसाफी करने की जो गलती तुमने की है, उसके लिए तुम्हें भी एक सजा मिलेगी। आज जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसा घटित ना हो, इसके लिए हमने एक फैसला किया है। आज से बल्कि अभी से खंडराव के हर फैसले पर अहिल्या की मोहर अनिवार्य होगी। तभी वो निर्णय मान्य होगा, अन्यथा नहीं। सरकार अब तो सब ठीक हो गया है, तो आप ये नहीं नहीं गौतम महारानी साहब, सब ठीक नहीं हुआ है। हमारे राज्य में गरीब मासूम जनता के साथ अन्याय हुआ है, जो ठीक नहीं हुआ। जानते हैं सरकार कि अन्याय होना ठीक नहीं है, लेकिन आपने तो न्याय किया है ना, दोषी गुंजी को दंड देकर। तो इसमें खंडेराव को सजा क्यों दे रहे हैं? उसका क्या दोष है? ये क्या सही न्याय है? क्या कहा आपने, खंडेराव का क्या दोष? ये मत बोलो गुनोज, तुम इस घर के सावाई साहेब हो, पद भले ही चला गया हो लेकिन रिश्ता अभी भी बरकरार है, वो भी ऐसा कि तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। याद रखो गुरुज, कभी कभार आंसू तलवार से भी बड़ा काम करता है, यकीन मानो पछतावे का आंसू सब कुछ ठीक कर देगा। बाबा साहब आप कब आए? आइए ना। अरे क्या कर रही हो वहां पर, आओ जल्दी। अरे जल्दी 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 बाबा। दादा साहब क्या लेके आई हो, दिखाओ तो। हाँ कितना अच्छा लिखा है, किसने लिखा है? मैंने दादा साहब। और ये सिखाया किसने? आई साहब ने। बहुत अच्छा, लाओ दो मुझे। और तुम इधर आओ और हमें ये बताओ खाने में तुम क्या खा रही थी? दाल चावल। लो तुम्हारी आई साहब खाना लेकर आ गई। चलो अभी ये आखिरी निवाला खा लो। नहीं आई साहब, पहले वो आखिरी, अभी ये आखिरी। अच्छा तुम नहीं खाओगी तो वो उस काले कौवे को दे दूंगी मैं। दे दो। अभी तुम जाओ अपने दादा के पास और वहाँ पढ़ाई करो, ठीक है? हमें तुम्हारे आई साहब के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। अभी। अरे दो। आ
हाँ बाबा साहब बताइए, वो बस थोड़ा काम है इसलिए। हाँ हाँ करती रहो, हम तुम्हारे किसी भी काम में विघ्न डालने नहीं आए हैं, करो जो कर रही हो। कौन कहता है कि नारी एक समय में केवल एक ही काम कर सकती है? हर पल हर रोज तुम ये साबित करती हो अहिल्या कि तुम्हारे पास दो हाथ नहीं, माँ दुर्गा की तरह 10 हाथ है और तुम्हारा दिमाग बिजली से भी तेज है, एक क्षण में कई काम एक साथ कर लेती हो। मैं जानती हूँ बाबा साहब आप क्या कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं राज्य के कार्यों में ध्यान दूं, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ बाबा साहब कहानी सुनाओ ना। आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं? ठीक है, तो ये कहानी है एक राजकुमार की। किसकी? राजकुमार की। हाँ, एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत महान, बहुत ही पराक्रमी। उसका एक बेटा था, बिल्कुल आपकी तरह राजकुमार, वो भी महान था, वो भी पराक्रमी था, लेकिन दुनिया पता नहीं क्यों उसकी तुलना उसके पिता से करती थी। दुनिया चाहती थी कि वो राजकुमार अपने पिता की तरह बने। एक ही वक्त में बच्चों की जिम्मेदारी और दरबार, ये दोनों भी उसे नहीं हो पाएगा। दरबार के फैसले और कामों में कहीं ऐसा ना हो बाबा साहब कि मुझसे बच्चों की तरफ कोई लापरवाही हो। लापरवाही और अहिल्या से, हमारे पक्कम पक्के दोस्त से, ना मान ही नहीं सकते हम। जब हम इस कक्ष में आए हैं तब से देख रहे हैं, 10 काम तो तुमने यूं ही निपटा दिए झट से, लेकिन ये साफ सफाई, ये कपड़े, ये खाना बनाने जैसे काम रकमा या बाड़े की बाकी औरतें कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, लेकिन दरबार का काम हम किसी और को नहीं सौंप सकते। सौंप सकते हैं क्या? वही तो, वो तो तुम्हें ही संभालना है। और याद रहे, तुम्हें दरबार या बच्चों में से किसी एक को नहीं चुनना है, दोनों को चुनना है। और हमें यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी, वाड़े को भी, दरबार को भी और खंडराव को भी। चलो चलता हूं, काम करती रहो। ये क्या हुजूर, आप अभी तक सोए नहीं? अब तो हमें चैन की नींद मालवा में ही आएगी। जहान खान, मालवा पर हमला करने का अपना मंसूबा हम और मजबूत कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वहां कैसे हमला करेंगे। मालवा की पूर्वी और पश्चिमी सरहदें बहुत महफूज हैं। खंडे राव और मल्हार राव उत्तर दिशा से रोहिलखंड और दिल्ली जाएंगे। अगर मालवा पर हमला होता है तो वो लोग वापस भी लौट सकते हैं, इसलिए उत्तरी सरहद से घुसना खतरे से खाली नहीं। बाकी बची
दक्षिणी सरहद, जहां चंबल घाटी है, ये वो दिशा है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता कि हमला हो सकता है। हम वहीं से अंदर घुसेंगे और कल का सूरज इंशाअल्लाह हम चंबल घाटी से देखेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.